स्वागत करते हैं अमित एंड किट्टू जायसवाल के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस हम लोग आज ही आए और आज ही जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को आज जाना नहीं चाहिए था। हम तो बोले रुक जाओ, तुम लोग आराम से जाना है। एक हफ्ते बाद दो तीन बज जाएंगे, क्योंकि हम लोग का कोई प्लान नहीं था ना कि हम लोग को आना है यहाँ पे। कोई अच्छा तो कोई वो नहीं था कि हम लोग आएंगे ही। अब रुक जाओ ना, आराम से जाना, छुड़वा लेंगे इनको बाइक से। अरे कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे यार। सोना यहाँ भी है, सोना वहाँ भी है। ये भी तो घर है, घर है तभी तो कह रहे हैं। सोना यहाँ भी है, सोना वहाँ भी है, अच्छा चलेंगे वहीं पे सोएंगे आराम से। ठंडी का मौसम है तो अपने अपने रजाई में रहेंगे, ज्यादा मजा आएगा। वो मेरा पर्स है। चलते अपने मम्मी के पास, मम्मी से थोड़ा बहुत दिन बाद। ज्यादा मम्मी मेरी बेचारी गिर भी गई थी, ज्यादा बात भी नहीं की, बैठ कर जब से आई मेरी काम ही कर रही है, खिलाई पिलाई रही है। वो पर्स ले लीजिए। तो अरे नेटवर्क ही क्या बात है, अच्छा हमें लगा हमसे करी नेटवर्क है नहीं है यहाँ पे। और ये गाइस ये मेरे को ना मेरे उस पे एनिवर्सरी में कुछ नहीं दिया था, सबके मुंह में कुछ नहीं दिया दोस्तों। हाँ प्रधान का बेटा होकर के गाइस कुछ नहीं दिया था। कोई बात नहीं, बंदा नहीं गया एनिवर्सरी में जाएगा। हेड टू हैंड पाइप, हेड टू हैंड पाइप वही लगवा दो। कुछ भी नहीं बोला था हैंडपंप देने के लिए प्रधान जी के, हमने तो बोला था। लेकिन हमने इसको मतलब गाइस आपको पता नहीं होगा, हमने इनके घर गया था लास्ट में, एक बजे कुछ बना था, हमने इनको एक लिफाफा दिया छोटा सा। भाई प्रधानी कोटा से इनके यहाँ हैंडपंप लगवाएंगे ना, लगवाओ। अगर नहीं लगवाए तो हम चमड़ी चमड़ी का दिख लोग। बोला है कि हम 30 तारीख को आएंगे, तो अगर नहीं आए डबल लिफाफा देंगे, डबल बंगला जी को एक इनको। अरे हमको लिफाफा नहीं चाहिए, हमारे घर एक हैंडपंप लगवा दो। ये प्रधानी कोटा से। अच्छा हैंडपंप तुम्हारे घर नहीं है? नहीं है। आपको पता होगा मेरा समस्या, मुझे बटन वाला नहीं होता है, एक ग्रीन एक रेड होता है, वो वाला इनके पास है, तब हमसे हैंडपंप मांगे नहीं है। हमको चापा कल चाहिए। यूवी ने बोला कि लिफाफा देंगे, अब लिफाफा के अंदर क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। लिफाफा बोला, बोला कि हम लिफाफा बोले थे, लिफाफा में लिखा रहेगा हैंडपंप, लिफाफा में लिखा रहेगा हैंडपंप, तुम्हारे लग जाएगा हैंडपंप। वही है लिफाफा में लिख देगा। वही तो बड़े चाचा बोल रहा था साहब, मैं देखिए उसका नाम नहीं है, अरे मैं भी इसको फोन करती हूँ। गाइस आपको पता होगा जब इनको लिफाफा देंगे ना, उसमें हैंडपंप लिख के मम्मी का मोहर मार के देंगे, मोहर मार के देंगे। देंगे तुम्हें हैंडपंप देंगे जरूर। हमें तो मम्मी का मेरी तबियत खराब था तो हम आए थे देखने के लिए, मम्मी करी हम ठीक है, ठीक है। तो मम्मी ना अभी गए बाथरूम में ना, हम बैठे थे, हम कहे भगवान मम्मी कैसे बाथरूम में नहीं, वही नीचे वही कह रहे ऐसे सो गए, वही हम कहा कमजोरी हो जाए ना मम्मी, पता नहीं कैसे रहू तो गुरुवार के दोपहर सुबह ही कौन कमजोरी आएगी। नहीं आप गुरुवार के व्रत ही था, ठंडी बहुत ज्यादा महसूस नहीं होते उस चीज, लेकिन हो जाए। अरे हम अभी गए ना, हम बैठी रहे, हमका भगवान कैसे गिरी हुई है, कैसे कहा सोचे कैसे उठी हुई है। अरे हम बहुत जानते, हम नीचे थे, हम गए थे, हम सोच रहे की बासुस निकले तो हम चले, तो हम देख दरवाजा हिल रहा है, लेकिन हम सोचे नहीं पा रहे थे ऐसे। हम जो पानी वाला नल है उसको पकड़े, उसको भी सोच रहे हैं अगर टूट जाएगा तो सब चिल्लाएंगे सुबह सुबह, इतना सोच रहे टूट जाए। दरवाजा हिला, सोचा दरवाजा कौन हिला रहा है, बार बार हिला रहा हूं। हां मम्मी दरवाजा हिला रही है, वही नहीं उठाता है। वहां बैठ के एक बार बोल देते ना किसी को, आवाज नहीं आ रहा, मम्मी का आवाज नहीं निकल रहा था। मम्मी बोले हम सोचे जीजा की अंदर कोई होगा, पानी चालू कर रहा है, दरवाजा चल रहा है, ऐसे दरवाजा हिलता भी रहता है, सुबह के मॉर्निंग था, यहाँ कोई बाथरूम में गिर गया। मुझसे बोला पर्ची मम्मी गिर गई, हम ही मम्मी थे, केवल मैं मम्मी था, मम्मी से बताइए कैसे गिर गई। हम कहा कि जाए तो कह दे अपन अपन खुशी से अपन मनावा जज जाए, हमारे मच्छर के नहीं हलो वो चिंता में बड़की में डबल व्रत हो गया ना, इसके लिए बड़की में थोड़ा टेंशन में, वहाँ जाना भी है तो गणेश चौथ भी है, और यहाँ मतलब टेंशन में मतलब लड़के की बात में दम है किट्टू। मम्मी कह रहे हैं कि कैसे वहाँ काम कर रहा था, हमसे बताएं कि मम्मी वो चिंता में बैठे, देख तक खाने वाही, इतना काम धाम करना तो और लोग चिंता देखा, वही
अकेले उन सभी कैसे फटफटा थे कैसे बीमार हो इतना ठंडी भी रहा हम कहा ठंडी की वजह से हमें तोहरों लोग का चिंता सताए रहे और सबसे पहले लड़की ने हमको बताया जब मॉर्निंग उठे तुम सोए थे ना हम तो बाथरूम पास ही खड़े थे मम्मी पूछो जब मम्मी बाथरूम नहीं तो हम वहाँ खड़े थे सुबह की 6 बजे की बात है तो हम उठे बैठे कैसे भी बोली जाती हमें पता नहीं क्या हो गया हम गिर गए हमसे कुछ सुझाते ना हम 2 मिनट से लेटी रहे वहीं में उसके बाद उठा हूँ ठीक है मम्मी ना दिक्कत तो नहीं है दिक्कत ना है लेकिन लोग कहते हैं एक बार सीढ़ी पर से नीचे गिरे हैं जब तुम अपना सिटी स्कैन अंदरूनी चोट हुआ है ना अभी भी आए थे मम्मी जाके अपन चेकअप पूरे शरीर सिटी स्कैन कराए ले एक बार जाबो ट्राई कर तू डॉक्टर के पास जाए चली चला तो गाइज हमारे एनिवर्सरी पे सब लोग आए थे मम्मी से इतना बोले थे मम्मी आ जाना लेकिन मम्मी नहीं आई थी हमको बहुत तकलीफ हुआ और पापा भी मेरे आने वाले नहीं थे तो हमको बहुत गुस्सा आ रहा था तो पापा में मम्मी तुरंत पापा को फोन करी नहीं जाओ बुलाए बा जा तब आए का है ना मिले मिले रोज रोज मिलते है का नहीं रोते नहीं रोते रोने लगी भाई लोग गए थे उसी तो हम डांस कर रहे थे केवल अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे थे नहीं रोए ऐसे नहीं रोते हैं मतलब ऐसे नहीं रोते हैं क्या हम लोग मानते हैं चाहते भी हैं तैयार करते नहीं अरे चलो भैया अरे हम तो तुमको एकदम अपनी बेटी मानते हैं बेटी हाँ पापा कैसे हल्लो ना रही है ना हल्लो जाइए हल्लो की छोड़ दे तू हल्लो यही रहिए आप मिलन अभी आधा अधूरा है गाइस जा रहे हैं क्या किए ये जबर जब आ गया पापा के पास खड़े जो कितने बार वंदना जी मुस्कुराते हुए आ रहे खड़े जाओ पापा के साथ थोड़ा वंदना जी मुस्कुराते हुए आ रही है मेकअप खराब हो जाएगा सही बात ये वंदना जो है मुंहपेड़ है इसका मतलब जो मुंह करेगा वो बोल देती है ये आगे पीछे नहीं देखती क्या है नानी को सोनाक्षी का दिल बहुत बड़ा है और कैसे बोले ले लो सोनाक्षी दिए नानी गिफ्ट क्या 50 रुपए में नानी के देते नहीं तुम लोग तुम काफी खा ले लो भाई जैसे तैयार सोनाक्षी नानी को विदाई कर देती चलो भैया है तो सोनाक्षी जहाँ जाती है भावुक हो जाती है मेरी सोनाक्षी होती है ना सोनाक्षी होती है सो दोस्तों कुछ ही घंटों के लिए हम लोग आए थे किट्टो के मायके और मैं अपने ससुराल लेकिन बहुत ज्यादा प्यार मिला नम भरी आंखों के साथ हम लोग निकल रहे हैं किट्टो बहुत रोई है मेकअप वेकअप खराब हो गया थोड़ा सा कोई बात नहीं काफी लेट हो गया तो हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ से तो गाइस जा रहे हैं हाँ लगे
चलो नानू पहने चुकाते बच्चों से यार। चल अम्मा सो गई, गुड नाइट अम्मा। चलो बहुत लेट हो गया है, चलो बैठो किट्टो, अपना अपना पोजीशन ले लो सब लोग। फैमिली अब सब लोग तैयार हो गए, हम लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे। बिना भी एकदम आगे बिना कुछ पहन लिए होते। अरे ठंडा नहीं है उतना। अब देखो ये यही तो है, सब शूट रहे कर रहे थे, हम क्यों पीछे हटे दोस्तों। तो दोस्तों अब चौरी बाजार एकदम शांत हो गया, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ऋषभ देखो दरवाजा खोला, ऋषभ आगे बैठेगा। ये किडनैप वाली गाड़ी है क्या आपकी? किडनैप वाली गाड़ी है। पापा भी आ गए हैं बाहर, सबका कैमरा चालू है। किट्टो के सबसे बड़े वाले भैया है पंकज भैया, आप लोग जानते ही हो। तो हम लोग इनको कब से पूछे, लेकिन अब जाते जाते आखिरकार इनसे मुलाकात हो ही गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो दोस्तों सब लोग तैयार हो गए हैं और सब लोग बस हंसी खुशी निकल रहे हैं यहाँ से। बाय दोस्तों, बाय हमारे फॉलोवर। तो दोस्तों कुछ फॉलोवर छत पे खड़े हैं, वो लोग वहीं से बाय कर रहे हैं। बहुत प्यार मिलता है हम लोग कहीं जाते हैं तो। देखो बाय बाय दोस्तों। बाय 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 मिस्टर दीपक। हाँ तो हम मिला ही लेते यार, जा जा दिन कर। हाँ तो हम यार बाय बाय सभी को। एकदम ससक ससक के बैठे अंदर, तो फिर बने रही आप लोग। से बाय बाय। दोस्तों बीच रास्ते में दिक्कत हो गई है सबको बैठने को लेकर के, पापा सबको सेट कर रहे हैं। अब आधा रास्ता हम लोग आ गए, 10 बज रहा है, सब हमारे पीछे पड़ा हुआ था। सबसे बढ़िया सीट पर यार। ले बिट्टी।